हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। नाउ लेट्स स्टार्ट करंट अफेयर्स कैप्सूल, डेली करंट अफेयर्स, अगस्त, डे 11। एज पर द न्यूज ब्रांड फ्रूट पिन रिपोर्ट बाय कांतार, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड कंटिन्यूज टू बी इंडियाज टॉप फर्स्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड, दैट इज FMCG's ब्रांड। कांतारा हाल ही में जारी किया गया ब्रांड फूड प्रिंट रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड भारत के शीर्ष फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड बना हुआ है? द आंसर इज पार्ले। ओके, एंड कांतारा इट इज ए मार्केट रिसर्च कंपनी बेस्ड ऑन लंडन। ओके, एंड व्हिच कंपनी गॉट सेकेंड पोजिशन, दैट इज ब्रिटानिया। ओके, गॉट द सेकेंड पोजिशन। एंड पार्ले, इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई एंड इट्स ओनर इन प्रकाश चौहान। ओके, सो नेम ऑफ द कंपनी इज पार्ले। ओके, एंड व्हाट डू मीन बाय फर्स्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स? दीज गुड्स आर वी कंज्यूम ऑन द डेली बेसिस, लाइक राइस, सुगर, ऑयल, दीज आर द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ओके, एंड व्हाट इज द स्लो मूविंग कंज्यूमर गुड्स? दैट इज टीवी, एसी, दीज आर द स्लो मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ओके, एज पर द रिपोर्ट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हैज डिसाइडेड टू रजिस्टर सोडो गोल्ड माइन एज ए कल्चरल हेरिटेज साइट। दिस माइन एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ने सोडो गोल्ड माइन को कल्चरल हेरिटेज साइट के रूप में पंजीकरण करने के निर्णय लिया है। ये खदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? द आंसर इज जापान। सोडो गोल्ड माइन, इट इज लोकेटेड इन जापान, जापान इन निगाटा प्रीफेक्चर। ओके, इन निगाटा स्टेट। ओके, एंड सोडो गोल्ड माइन, इट इज नॉट ओनली गोल्ड माइन, इट इज ऑल्सो ए सिल्वर माइन। एंड रिसेंटली इन इंडियन मोयदाम्स इन असम रिसेंटली कैटेगराइज एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन कल्चरल कैटेगरी एंड इट इज ए बुरियल प्लेस ऑफ अहम किंगडम। ओके, सो सोडो गोल्ड माइन लिस्टेड इन ए कल्चरल हेरिटेज साइट बाई द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी एंड सोडो गोल्ड माइन इज लोकेटेड इन जापान इन निगाटा प्रीफेक्चर। Recently, Basketball Federation of India, that is BFI, has set up National Basketball Academy in collaboration with Corvus American Academy at which of the following places? हाल ही में Basketball Federation of India ने Corvus American Academy के सहयोग में निम्नलिखित में से किस स्थान पर National Basketball Academy का स्थापन कर रही है? The answer is Mumbai. Okay, the answer is Mumbai. And this is the second setup and first one setup in मणिपाल यूनिवर्सिटी इन मणिपाल, इट इज लोकेटेड इन उडुपी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। सो प्लेस इज मुंबई। ओके, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज सेट अप ए नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी इन कोलैबोरेशन विद कॉर्वस अमेरिकन एकेडमी इन मुंबई। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज सेलिब्रेटेड अखिल भारतीय शिक्षा संगम, दैट इज ABSS 2024 एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एंड मार्किंग फोर्थ एनिवर्सरी ऑफ NEP 2020, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इट स्टार्ट अप इन 2020, सो इट इज नाउ 2024, सो इट कंप्लीट देयर फोर्थ एनिवर्सरी, दैट इज फोर इयर्स कंप्लीटेड। ओके, एंड नेम ऑफ द लोकेशन इज न्यू दिल्ली। ओके, हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 मनाया गया? द आंसर इज न्यू दिल्ली। ओके, एंड NEP प्रोवाइड दैट इज करिकुलम, दैट इज 5+3+3+4। ओके, एंड इंस्टेड ऑफ 10+2 करिकुलम। ओके, सो NEP, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड इट सेलिब्रेटेड अखिल भारतीय शिक्षा संगम 2024 एट न्यू दिल्ली, मार्किंग फोर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एज पर द न्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024, ए मैसिव ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम इन व्हिच स्टेट? हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान, दैट इज पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 शुरू किया गया है? नेम ऑफ द स्टेट इज उत्तर प्रदेश। ओके, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम द लखनऊ एंड UP गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च मित्र योजना, दैट इज ऑल्सो प्लांटेशन प्रोग्राम। ओके, एंड
Who is the CM of Uttar Pradesh? That is Yogi Adityanath. Okay, and Governor Anandiben Patel. Okay, so Uttar Pradesh government recently launched Ped Lagao Ped Bachao Jan Abhiyan 2024. It is a massive tree plantation program in the state. Okay, as per the news, which of the following organization has announced a new project to speed up the development of vaccine for bird flu in poorer countries? हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने गरीब देशों में बर्ड फ्लू टीके दैट इज वैक्सीनेशन फॉर बर्ड फ्लू के विकास में तेजी लाने के लिए एक नई परियोजना की घोषणा की है? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज हु? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स हेडक्वार्टर इन जिनेवा स्विट्जरलैंड एंड हु सेट अप इन 1948. ओके, एंड करंट हेड टेड्रस अधानम. Okay, and who produce mRNA-based vaccine and who partner with Synergium? It is a biotech company of Argentina. Okay, and they give effort to produce H5N1 virus vaccine. Okay, so name of the organization is WHO has announced a project to speed up the development of vaccine for bird flu in poorer countries. As per the report, Union Minister for Education Dharmendra Pradhan has launched National Apprenticeship and Training Scheme, that is 2.0 portal. This portal has been developed by Ministry of Education with support of which of the following organization? Hali mein Kendriya Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan ne National Apprenticeship and Training Scheme, that is 2.0 portal launch kiya hai. Ye portal Shiksha Mantralay dwara nimnalikhit mein se kis sanghatan ke sahyog se vikasit kiya gaya? The answer is AICTE. What is the full form of AICTE? That is All India Council for Technical Education, and it is a second version. Okay, and it has been developed by the Ministry of Education and AICTE, and it works on and Board of Apprenticeship Training, Board of Apprenticeship Training, and Board of Practical Training. Okay, and this is government focus on skill development among the youth. And recently, Ministry of Education and University Grant Commission launched a project, that is ASMITA project, ASMITA, ASMITA project, where they actually launched 22,000 books in next 5 years. Okay. Recently, where was the 5th meeting of the ASEAN India Trade in Goods Agreement, that is AITIGA Joint Committee held? हाल ही में समाचार के अनुसार किस जगह पर एशियन इंडियन ट्रेड एग्रीमेंट का बैठक हुआ है? That is 5th meeting. The answer is Jakarta. Okay, Jakarta, the 5th Asian India Trade in Goods and Agreement Joint Committee meeting in Jakarta from 29 July to 1st August in 2024, and aim to enhance economic cooperation between ASEAN and India by reviewing the 2009 AITIGA ASEAN. ASEAN is a key trade partner for the India. Okay, so name of the country is Jakarta. Okay, recently, which country host BIMSTEC Business Summit 2024? हाल ही में कौन सा देश बिम्सटेक बिजनेस समिट 2024 को होस्ट कर रहा है? नेम ऑफ द कंट्री इज इंडिया. ओके, इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज होस्ट द फर्स्ट बिम्सटेक बिजनेस समिट इन न्यू दिल्ली. ओके, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इज जयशंकर. ओके, एंड व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल हैंडलूम डे एवरी ईयर? हाल ही में नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया गया. ये किस दिन पर हम मनाते हैं? आंसर इज 7th अगस्त. ओके, नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेशन ऑन 7th अगस्त, एंड इट ऑनर्स इंडियाज हैंडलूम हेरिटेज एंड सपोर्ट आर्टिसंस. ओके, एंड इट लॉन्च इन 2015 एंड टू मार्क द स्वदेशी मूवमेंट and centenary, it promote the indigenous craft and empower weavers. Okay, what is the theme for this time? That is theme is weaving sustainable futures. Is bar ke liye theme kya tha? Weaving sustainable futures. Okay, so National Handloom Day was celebrated on 7th August.
Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.